अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एवरीडे फूड विद आयशा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तलबीना बनाने का तरीक़ा। तलबीना बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और इसके बहुत बेशुमार और अनगिनत फ़वायद हैं। ये तिब्बे नबवी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है और आप हर मरीज़ को तलबीना सजेस्ट करते थे। तलबीना हमारे जिस्म में दिल, दिमाग, मैदा, जिगर सबके लिए फ़ायदेमंद है। ये दिल को मजबूत करता है और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, दिमाग को ताकत देता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तलबीना इस्तेमाल करने से हाफिज़ा मजबूत होता है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो जिसे मैदे की प्रॉब्लम है वो भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करता है, ख़ास करके बूढ़ों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। स्ट्रेस लेवल को कम करता है और जिस्म में खून पैदा करता है। अगर आप मोटापा घटाना चाहते हैं तो आप लंच को स्किप करके तलबीना खा सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव वे होता है फैट घटाने का। इसके फ़वाद अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसे गूगल सर्च करके देख लें। मैं आपको डायरेक्ट इसकी रेसिपी की तरफ ले जाती हूँ। बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स और ईज़िली अवेलेबल इंग्रीडियंट्स के साथ ये बन जाता है। तलबीना बनाने के लिए मैंने एक डीप पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला 1 लीटर दूध, 1 लीटर। अब इसमें उबाल आने देते हैं। मीनवाइल हमें इसे हिलाते रहना है ताकि ये बॉटम पर चिपके ना। दूध में उबाल आ गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम्स बार्ली। इसको मैंने ओवरनाइट भिगा के रखा था। अब हमें इसको कवर करके 8 से 10 मिनट तक पका लेना है। फ्लेम को मैंने लो रख लिया है क्योंकि इसका लिड बंद है, दूध उबल ना जाए इसलिए, और बार्ली भी अच्छे से गल जाए। एज आई सेड, बीच में हमें हिलाते रहना है ताकि ये बॉटम पर चिपके ना। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 खजूर। इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं, आप किसी भी किस्म का खजूर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला लें खजूर को अच्छे से दूध में हल्का सा मैश करते हुए। इस बार हमें पॉट को कवर करके पकाना है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। बीच में इस तरह से हिलाते रहें और खजूर को मैश करते रहें ताकि ये दूध में अच्छे से मिल जाए। आप देख सकते हैं दूध का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है। ये देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है, बार्ली फूलने लगी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 बादाम इस तरह बारीक कटे हुए, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। मिला लें अच्छे से। अब मैं इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पका लूँगी कवर करके। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये अच्छा गाढ़ा हो गया है बिल्कुल खीर की तरह। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया है और ये हमारा तलबीना तैयार है।
बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन गया। आप इसे सर्व करते वक्त थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इस पर डाल सकते हैं और स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा हनी। ये वैसे भी टेस्ट में मीठा ही होता है, लेकिन हनी डालने से और टेस्टी बन जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। ट्राई ज़रूर करिए और अपनों को खिलाइए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।